देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां जहां चुनाव हो रही है उन तमाम तैयारियों में पूरी तरह से लग चुकी है। बात कर ले मणिपुर की तो मणिपुर में भी तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी पूरी ताकतें झोंकने में लग गई है। बात कर ले ललन सिंह की तो इस वक्त ललन सिंह मणिपुर में मौजूद हैं और लगातार कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में जीत दिलाने का श्रेय पूरी तरह से उनके ऊपर ही आया था, जिसके बाद अब उनकी प्रणति जो है वो केंद्र में कर दी गई। ललन सिंह ने मणिपुर के जनता को जेडीयू की जीत पर बड़ा आश्वासन दे दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार में महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, चाहे मामला शराबबंदी से जुड़ा हो या फिर 50% आरक्षण का हो, इसी को लेकर ललन सिंह ने मणिपुर में भी बड़ी बात कह दी है। दरअसल हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी मणिपुर में जीतती है तो हम महिलाओं पर विशेष ध्यान देंगे। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं पर ध्यान दिया गया है, उसी हिसाब से मणिपुर में भी महिलाओं का खास ख्याल रखा जाएगा, महिलाओं के शक्ति को और बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। मणिपुर दौरे के दौरान लगातार वो चुनावी रणनीति भी बना रहे हैं और मणिपुर की जनता के दिल और दिमाग को भांपने की भी कोशिश हो रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त तमाम जिम्मेदारियों के साथ तमाम बड़े नेताओं को जेडीयू ने प्रदेश अलग अलग राज्यों पर छोड़ दिया है। ऐसे में मणिपुर की जनता को ललन सिंह का ये लाभ लुभावना वादा कितना पसंद आएगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल मणिपुर की जनता और इस सभा के दौरान ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए अब हम आपको सुनवाते हैं। और उस मॉडल को जिसको पूरे देश के दूसरे राज्यों ने एक्सेप्ट किया, जो 50% महिलाओं को आरक्षण का मॉडल था, उसको जब नीतीश कुमार जी ने किया बिहार में, तो दूसरे स्टेट वाले देख रहे थे, भौचक्का थे वो, दे वेर शॉक्ड कि व्हाट हैज डन नीतीश कुमार, इन बाय वन ऑर्डर ही हैज इंपावर्ड वुमेन, 50% पॉपुलेशन हैज बीन इंपावर्ड, और नीतीश कुमार जी ने वो किया और दूसरे राज्य के लोग आए बिहार, उन लोगों ने उसको देखा एंड व्हेन दे बैंड वेंट बैक टू देयर स्टेट, जब वो अपने राज्यों में वापस गए, वहां जाके उन्होंने उसी फॉर्मूले को उसी मॉडल को लागू किया। हम आपको श्योर करते हैं कि मणिपुर में भी अगर सरकार बनी, वी विल इनफोर्स दैट वुमेन आर फुल्ली एम्पावर्ड एट पर देयर राइट इन पॉपुलेशन। इसी के साथ हम आपसे ये अपील करते हैं और मुझको पूरा भरोसा और विश्वास है कि आपकी इस उपस्थिति के बाद कि मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड का जड़ रूट बहुत मजबूत है और इसको कोई हिला नहीं सकता है, और आपके सपोर्ट के बल पर अगली सरकार में जनता दल यू की जबरदस्त भागीदारी होगी और उस भागीदारी के बल पर मणिपुर के विकास को, हर क्षेत्र के विकास को, स्पोर्ट्स के विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को, वुमेन एम्पावरमेंट के विकास को, सोशल जस्टिस को, सबको मणिपुर में लागू किया जाएगा और मणिपुर दिन दोगुना रात चौगुना दृष्टि से विकसित होगा और आने वाले समय में मणिपुर एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में जाना जाएगा। यह आपको भरोसा और विश्वास हम दिलाते हैं, ये कमिटमेंट आपके साथ करते हैं, ये विश्वास आपको दिलाते हैं, आपके सामने ये वादा करते हैं, और इस वादे के साथ आप सभी जो पुनः इस रैली में आज आए, आप सबों को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तो तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821703।
7996।